आप ही, ये क्या आप ही, कुछ दिनों में आपकी बहन ये घर हमेशा के लिए छोड़ के जाने वाली, और आप अपने बॉस को इम्प्रेस करने में लगी हुई हैं। मेरी जान, बस ये थोड़ा सा काम है, ये फिनिश कर लूं। ये प्रोजेक्ट हर हाल में कल सबमिट करवाना है, फिर उसके बाद जो बोलोगी मैं करूंगी, प्रॉमिस। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, आप जल्दी से लैपटॉप बंद करें और मुझसे बातें करें ना। रही बात आपकी प्रमोशन की, तो वो मैं अपने ससुर से कह के करवा दूंगी अच्छा जी, जी, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बहू हूं इसलिए। फिर मैं भी मुतमईन हूँ, जो कहेगी मेरी बहन वो करूँगी। हाँ बोल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेहंदी के लिए हम कौन सा जोड़ा रखें। थक गया यार आज मैं बहुत। जरा, तुम्हें पता है तुम्हारे ऑफिस ना आने की वजह से सारा काम का लोड मुझ पर आ गया है। तुम जो प्रोजेक्ट कर रही थी पापा ने वो मुझे दे दिया है। मेरा दिल नहीं चाहता आने को। क्यों, पहले तो तुम्हारा दिल बहुत चाहता था ऑफिस जाने को, अब शादी के बाद अचानक क्या हो गया है? शादी होने के बाद मेरे और भी बहुत से शौक खत्म हो गए। सारा आज मैं बहुत थक गया हूँ, क्या प्लीज एक कप चाय मिल सकती है मुझे? अच्छा, पिलवा देती हूँ, लेकिन प्लीज न मानो, उसके बाद हम कहीं बाहर जाएंगे। कितने दिनों से कह रही हूँ तुम्हें। नहीं यार, आज नहीं, आज मैं बहुत थक गया हूँ, आप कल चलते हैं ना? पक्का, प्रॉमिस। क्या जरूरी है नुमान के तुम मेरी हर बात का इनकार करो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि जब से हमारी शादी हुई है तुम्हारा यही बिहेवियर है मेरे साथ कंटिन्यूअसली। जब भी तुमसे कोई बात करती हूँ तुम उस बात को इग्नोर कर देते हो। ऐसा लगता है जैसे तुमने जबरदस्ती मुझसे शादी की है। कम ऑन यार ज़ारा, ऐसा हरगिज़ नहीं है, तुमसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत की शादी की है मैंने तुमसे। रहने दो नुमान, अगर ऐसा होता ना तो तुम मेरी भी बातें मानते, जैसे तुम उस फायजा के इशारों पे नाचते थे। स्पीक कर दो यार, हर वक्त तुम्हारे पास बस एक ही टॉपिक रहता है। आखिर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि मेरा उस औरत से अब कोई ताल्लुक नहीं है? कैसे नहीं है ताल्लुक, कैसे नहीं है? तुम्हारी बीवी है वो नुमान, ताल्लुक तो तब ना होता ना जब तुम उसे तलाक दे देते। हाँ तो दे दूंगा, दीवारों को तलाक दूं क्या? जब से हॉस्पिटल में उसे छोड़ के आया हूँ मुझे तो पता भी नहीं है कि वो जिंदा है या मर गई है। अगर मर भी गई है तो इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? अपनी औलाद तो सूली की तरह मेरे गले में टांग कर गई है ना वो, जो मुझे और तुम्हें जीने नहीं देती। क्या मेरा बच्चा तुम्हारे लिए मुसीबत है? तुम क्या चाहती हो? अपने बच्चे को मैंने खुद से दूर कर दिया सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, अब क्या तुम्हें खुश करने के लिए मैं अपनी जान दे दूं क्या? अच्छा, ऑफिस में था मुसीबत है कि यहाँ आ गया।